अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट मज़ा सेठार जी। हाँ, राइट नाउ मैं एक सेंटर में आया, इतने खोट सारा स्टूडेंट असा गड आज अस डिस्कस कंदे मल्टी टॉपिक्स से। छोकरू चई रहा तो फैशन से गलो, छोकरा चई रहा तो मोबाइल फोन से गलो, छोकरू चई रहा छोकरा फिल्मी थन्ा, छोकरा चई रहा तो जो फैशन है क्यों। अज जनरल कचहरी था क्यों का प्रॉपर टॉपिक को रखूँ एंड शागिर्दन की मर्जी यही है तो का जनरल टॉपिक कज जैमें टे चार टॉपिक अज शो में डिस्कस कजन उन्होंने थोड़ा कमेंट्स कजन। छोकरू शादी चवन छोकरा छा चवन, छोकरा चवन था तो असा अज प्रूव कंदे तो छोकर इलाही ड्रामन के फॉलो कन्दन, इलाही मतलब फिल्मी होंद्य इलाही डायलॉग्स हणंदन, इलाही इंटरनेट जो मिसयूज़ कन्दन ए छोकरा भी चई रहा है छोकर भी ये चुन असा खोर सारा मवाद है जो अस छोकर के बुधाइंदे तो छोकर मतलब किए होंद। सो इन हाल अहवाल कहते कचहरी कहे अचो तो ऐसा अज मतलब शुरुआत कें थी थे ऐसों छो थे मुझे लाइ भी सरप्राइज आज अज प्रोग्राम में समथिंग डिफरेंट आ समथिंग स्पेशल आई डोंट नो बट ऐसा थे छो। लड़के ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं या लड़कियाँ? आई थिंक बॉयज़ मोस्टली यूज इंटरनेट ज़्यादा। वो कह रही है बॉयज़ ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करते हैं। लड़कियाँ आई थिंक क्योंकि हम जैसे भी घर पे जाते हैं तो अम्मी बोलती है काम पे जाओ काम पे जाओ, यहाँ पे करो घी लेके आओ आटा लेके आओ, लेकिन लड़कियाँ तो फ्री होती है यूज़ करती रहती। ऑफ कोर्स बॉयज़ ही करते हैं और वो सारा टाइम जो है ना, अगर आप डेफिनेशन पूछें इंटरनेट की तो बॉयज़ के लिए होगा इट्स अ ट्रेजर ऑफ फन, और अगर आप गर्ल्स से पूछें तो इट्स अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज। ओके, सोशल नेटवर्क अगर आप उसमें कोई भी नेटवर्क चैटिंग रूम्स वगैरह में जाएंगे आपको सबसे ज़्यादा गर्ल्स मिलेंगे, उधर फ्रेंड्स भी सबसे ज़्यादा गर्ल्स के पास ही मिलेंगे। आपके पास इतना रहते ही नहीं कि आप उनको ऐड कर सके, 4000 फ्रेंड्स ऑलरेडी उनके पास होंगे। बॉयज़ के पास मुश्किल से 100 भी नहीं होती है। बॉयज़ को तो जो है ना बॉयज़ ही फूल बना रहे होते हैं, ये समझ रहे हम बड़े खुश हो रहे थे हम लड़की से बात करें, इनको क्या पता आगे वो भी लड़का ही बैठा हुआ है। जैसे गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं नेट क्योंकि फैशन वगैरह के लिए, उन्होंने कपड़ों के वो डाउनलोड करने हैं और दूसरी चीज़ें कोई नया फैशन आया तो वो डाउनलोड करना है उन्होंने बनवाना है। ये बॉयज़ अपनी बात बता रहे हैं गर्ल्स की नहीं बता रहे, क्योंकि बॉयज़ भी बहुत फैशन करते हैं, अगर कंपेयर गर्ल्स से किया जाए तो बॉयज़ ज़्यादा फैशन करते हैं। हम तो रिसालों में देखते हैं ना, ये तो बाहर रोड पे किसी गंजे को देख लेंगे बोलेंगे कल भी यही हेयर स्टाइल बनाएंगे कल भी यही बनाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है कि बॉयज़ ही यूज़ करते हैं क्योंकि बॉयज़ का ये होता है कि एक तो ये इनका पर्सनल काम्स होते हैं, दूसरे पर्सनल काम्स को छोड़ के अपने नेट पे अपनी दूसरी गपशप यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ ये कि गर्ल्स के पास इतना टाइम नहीं होता, घर पे ये लोग आते हैं तो इनको काम वगैरह गर्ल्स ही करके देती हैं, इनकी प्रेसेज हैं, इनको खाना बना के कौन देता है, हम देते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम नेट। अगर फैशन की बात की जाए तो ये मीन्स ड्रामेज वगैरह भी देख, लड़के ज़्यादा तो यूज़ करते हैं नेट इंटरनेट, और जो कैफे खुले हुए हैं ज़्यादा वहाँ बॉयज़ ही जाते हैं, गर्ल्स तो नहीं जाती हैं। बॉयज़ ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, बॉयज़ ही बॉयज़ को ही पागल बना रहे होते हैं। सब लड़के कहते हैं लड़कियाँ यूज़ करती हैं, तो लड़के कहते हैं हम काम पर जाते हैं, अगर ये काम पर जाता तो आज पाकिस्तान का ये हाल कैसे हुआ, कैसे हुआ बताए, वुमेन सबसे आगे है आजकल सारे काम में, वुमेन आगे। आइडिया लड़कों के नाम से होती है और यूज उसको लड़कियां कर रही होती हैं। आप खुद देखें 80 साल के बूढ़े बैठे हुए हैं शाहरुख खान की तस्वीर लगाकर और कहते हैं कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। सर बॉयज ही नेट यूज करते हैं, गर्ल्स के पास इतना टाइम होता ही नहीं है, फर्स्टली जो काम के लिए अगर वो यूज कर रही होती है तो वही कर रही होती है, लेकिन ये नहीं कि अगर वो बैठी है नेट पर तो ये झूठ कह रही हूँ मम्मा से कि हाँ भाई वो अपनी असाइनमेंट्स बना रही है, वो लड़कियाँ अपना काम ही कर रही होती है, झूठ नहीं कह रही होती। आपसे मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ जहाँ कोई लड़की देखिए ये क्या है। मैं तो फैशन पे बात करूंगी, आप बॉयज की हेयर स्टाइल देख लें, सबसे ज्यादा ऐसे हेयर कंघा करने की तो जरूरत ही नहीं है, वह ऐसे ही उठ जाते हैं बस। गर्ल्स करती हैं लेकिन मिस यूज नहीं करती हैं एटलीस्ट। सर लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं, 80 साल की लड़की भी होगी ना तो वो कतरीना केव की तस्वीर लगा कर बैठेंगे ना। ये बताओ लड़कियां उम्र की, तुम्हारी कितनी उम्र? मेरी 17। सर उम्र नहीं छुपाती, किसने कहा उम्र छुपाती, मेरी 20। सर जिस तरह से आप गर्ल्स की एज के लिए कह रहे हैं ना, अगर यहाँ पे जो बॉयज जॉब करते हैं आप उनसे कहें एक्यूरेट अपनी सैलरी बताएं, वो कभी भी नहीं बताएंगे। क्यों बताएं, बीवी छीन जाती है। तो बस फिर तो सर सेम बात है, एज अपनी जो है परफेक्ट बताने से सर हो सकता है रिश्ता छूट जाए। हमेशा खूबसूरत लगने के लिए एज छुपाती है अपनी कॉस्मेटिक्स के जरिए। लड़कियाँ जो ना खास तौर पे इसलिए जो ना अपनी एज छुपाती हैं क्योंकि हम जो ना हर लड़का हमें प्रपोज करे। इनकी जो अम्माएं होती हैं वो कहती हैं बेटा हमेशा खूबसूरत लड़की लंबे बालों वाली और लंबे कद वाली देखना। अपने बेटे को देखती नहीं कि वो खुद कैसा है, बस बहू चाहिए चांद सी लंबे बाल 17 साल की हो। अम्मा ये नहीं कहती है कि लड़की के बाल बड़े या कद बड़ा, अम्मा ये कहती है कि जो मेरी बहू आए वो मुझे खाना पका के दे, मेरे कपड़े धोए, मेरा ख्याल करे। सर ये सब कुछ डिपेंड करता है, जो घर पे अपने नहीं काम करेगी वो लड़की आगे जाके भी नहीं करेगी, जो अपने घर बहुत सिंसियर है अपने पेरेंट्स से वो आगे वाले को भी पेरेंट्स से समझेगी।
ऑब्वियसली लड़कियां घर पर जब शादी होकर जाती है तो काम करती है, अगर वो नहीं काम करती तो क्या लड़के काम करते हैं बताएं? लड़के जब भी देखो उनके बम फूटे हुए होते हैं, बालों में कड़े पहने हुए, नहीं ज्वेलरी है लड़कों के लिए, ज्वेलरी क्यों पहनते हैं लड़के? कभी किसी ने कुछ बालियां पहनी, अभी नहीं पहनी हुई लेकिन फैशन है ये। सर सबसे ज्यादा लड़कियां टाइम लगाती हैं मेकअप में, तो भाई वो बोल लगा दी, लड़के पैंट पहनी शर्ट पहनी थोड़ा पाउडर लगाया तैयार। अगर हमने नकाब लगाए हुए फैशन में लगाए हुए, आपने जो पैंट शर्ट पहनी हुई ये भी फैशन है, सलवार कमीज पहनो। अगर ये बात नकाब की करते ये फैशन तो ठीक है, हम ये फैशन जो है करें विंगा मुस्लिम करें, आप भी जो कमीज सलवार पहन के आपके फैशन के साथ बैठे हुए। सर मोबाइल लड़कियाँ यूज करती है। सर मोबाइल पे लड़के कब बात करते हैं, लड़के तो सुनते हैं, लड़कियाँ बोलती है। ऑब्वियसली लड़कियां ज्यादा यूज करती हैं देखा जाए तो मोस्टली। अब आप एक किसी को बेल देंगे ना वो बोलेगी, फर्स्ट टाइम बोलेगी नहीं रॉन्ग नंबर है, सेकंड टाइम आप कॉल करके बोलती है पहले आप लोड करा दें फिर मैं आपसे बात करूंगी। मोबाइल ज्यादा यूज अच्छी तरह लड़कियां करती हैं लड़कों के से ज्यादा, और हाँ और टाइपिंग भी इन्हें बहुत अच्छी आती है, हमसे ज्यादा अच्छी टाइपिंग आती है इन्हें। बॉयज को पता चल जाए कि किसी लड़की का नंबर है, एक दफा मिस कॉल चली जाए तो पीछे पड़ जाते हैं पागलों की तरह, ज्यादातर बॉयज मोबाइल यूज करते हैं। नहीं सर इतना तंग करते हैं, आपकी आवाज बहुत अच्छी है बात कर ले फ्रेंडशिप कर रहे, अरे लड़की आगे से बात कर रही है तो पीछे ही नहीं छोड़ते हैं, इनका यही होता है कि आई वांट अ फ्रेंडशिप विद यू, इनका बस यही होता है कि कुछ दोस्ती कर ले कोई, बहुत ज्यादा ये वो। मैं दूसरे लड़कों को जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा, आप मुझे तो दोस्ती करके देखें, ये वो पता नहीं क्या क्या बकवास करते रहते हैं। एक से बात करते हैं फिर दूसरे को कहते हैं ठहरो ठहरो मेरे बाबा की कॉल आ रही, मैं उनसे बात करूँ फिर आपसे बात करता हूँ, ये पैकेज इसी वजह से इन्होंने करवाया है। उसके बाद जब ये लोग जब इनके सामने कोई लड़की घुसेगी मार्केट में से फटाफट अपना मोबाइल निकाल के बैठ जाते हैं, टिक 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 इनकी शुरू हो जाती है टिक टिक। उसके बाद नंबर ये जब को एजुकेशन स्कूल में पढ़ते हैं तो ये लड़कियों को पटाते हैं, प्लीज अपना नंबर दे दो, देखो तुम कितनी प्यारी हो, देखो प्लीज नंबर दे दो। आप इजी लोड करवाने जाओ तो पीछे आएंगे वो बराबर वाली दुकान पे, देख नंबर लिख रहा है, हाँ देख दे। सर बेसिकली मोबाइल हमारी जरूरत है लेकिन इसको मिसयूज है बॉयज ने ही बनाया हुआ है, यही ज्यादा मिसयूज करते हैं। और सर ये लोग इतने वांदे होते हैं कि ऑटो वगैरह पे जा रहे हो बाइक्स पीछे 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 बस नंबर चला जाए किसी एक, और नंबर अगर ट्रेन वगैरह में, सर अगर ट्रेन वगैरह में हो तो ये नंबर इस तरह दे रहे होते हैं, इस तरह नंबर देने होते हैं सर, ये सर इस तरह हो रहा होता है सर, ट्रेन वगैरह में जाओ तो इस तरह पागलों वाली हरकतें कर रहा है तो उसे देख क्यों रही है वो। अब लड़कियां हैं जैसे मोबाइल है, हमने कॉल किए सबसे पहले, अब ये उन्होंने बोला कि बाइक पे नंबर देती है तो सबसे पहले तो वो देख रही होती है कब नंबर देगा लड़का, कितना हैंडसम है कितना स्मार्ट है, सही कब देगा नंबर, इंतजार। जी वी आर सीओ साईं अजो प्रोग्राम, उम्मीद तव्हांखे साईं अजो प्रोग्राम पसंद आयो हूंदो। फ्रेंड्स तव्हां कमेंट्स ॾिठा आहिनि ॿुधा, ऑफकोर्स तव्हां कुझु न कुझु हासिलु कयो हूंदो, एंजॉय कयो हूंदो। फ्रेंड्स असां डिफरेंट टॉपिक्स ते डिफरेंट मल्टी टॉपिक्स ते स्टूडेंट सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं, ऑफकोर्स तव्हां हुन में एंजॉय कयो हूंदो। फ्रेंड्स जेके तव्हां बि कुझु चवणु चाहियो था, तव्हां चाहियो था त मां तव्हांजे कॉलेज तव्हां यूनिवर्सिटी या तव्हांजे इंस्टीट्यूट अचां, तव्हां असांखे ईमेल करे ॿुधाए सघो था, मूंखे खोर सारा ईमेल रिसीव थी वियो आहिनि डिफरेंट कॉलेजेस मूं, पर इनशाला मां वेरी वेरी सून तव्हांजे कॉलेज जेके यूनिवर्सिटी उते हणंदुसि चकर ऐं तव्हां प्रोग्राम रिकॉर्ड कंदुसि। जेके तव्हां कुझु चवणु चाहियो फीडबैक जे हवाले ॾियणु चाहियो था, तव्हां एसएमएस करो था, तव्हां असांखे ईमेल करे सघो था। सो फ्रेंड राइट नाउ जेको हीउ टाइम थियो आहे स्टूडियो, ओवर टू स्टूडियो मज़ा सेठा।